हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर रेनू फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिरोही। एंड बच्चों, आज हम आपका बीएससी सेकंड ईयर का बॉटनी का पेपर सेकंड डिस्कस करेंगे। उसमें जो आपका सबसे फर्स्ट, जो हम अनाटॉमी की जब बात करते हैं, तो जनरल इंट्रोडक्शन की क्लास में आज हम रूट के सिस्टम के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हम स्टैम्प पर आएंगे। तो रूट सिस्टम क्या होता है, उसका एक जनरल इंट्रोडक्शन की क्लास आज हम शुरू कर रहे हैं। स्लाइड में आप देख सकते हैं बच्चों कि अगर हम रूट क्या होता है बच्चों, द रूट कॉन्स्टिट्यूट द लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सिस विच टिपिकली ग्रोज टूवर्ड्स ग्रेविटी। यानी कि इन जनरल रूट होता क्या है, वो प्लांट का सबसे लोअर पार्ट होता है। प्लांट की जो एक्सिस होती है उसका सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है वो होता है जो टिपिकली जो हमारी ग्रेविटी होता है उससे उसकी तरफ ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ग्रेविटी नीचे जब लग रही होती है तो वो नीचे की तरफ ग्रो करता है। प्लांट का जो बाकी का पार्ट होता है वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है। इट इज़ यूजुअली सब सिलेंड्रिकल टैपरिंग टूवर्ड्स द टिप। यानी कि अगर हम जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सब सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है इसकी, और ये टिप की तरफ टैपरिंग यानी कि तीखी होती जाती है, नुकीली होती जाती है टिप की तरफ। रूट्स आर यूजुअली मच मोर क्रूक्ड देन स्टैम एज देयर डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नंबर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस एंड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल। यानी कि रूट क्या होती है, स्टेम के साथ जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो जनरली ज़्यादा जिगजैग होती है एज़ कम्पेयर टू स्टेम, क्योंकि वहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट जो होता है सॉइल का वो भी उसके बीच में आता है, और बहुत सी दूसरी सारी चीज़ें होती है जो उसकी वृद्धि के लिए अवरोधक का काम करती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म रूट सिस्टम कैन बी सब डिवाइडेड इंटू द फॉलोइंग टू कैटेगरीज। रूट सिस्टम को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको, आप स्लाइड में देख सकते हैं बच्चों कि रूट की एक जनरल जो स्ट्रक्चर होती है, सबसे नीचे की तरफ जो पोर्शन होता है रूट का, जो सबसे नीचे का किनारा होता है एंड पोर्शन होता है, उसे हम रूट कैप कहते हैं। रूट कैप जो होता है वो घेरे रहता है एक रीजन को, जिसको हम रीजन ऑफ सेल डिवीजन कहते हैं। यानी कि कोशिका विभाजन वाला वो भाग होता है, इस कोशिका विभाजन वाला जो ये डेलिकेट सॉफ्ट पार्ट होता है इसको कवर करके सेफ्टी के लिए हमारे पास में रूट कैप होती है। रीजन ऑफ सेल डिवीजन के बाद वाला जो पोर्शन होता है उसे हम रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन कहते हैं। यानी कि कोशिकाओं के वृद्धि वाला जो पोर्शन होता है, सेल इलोंगेशन यानी बढ़ने वाला जो रीजन होता है, वृद्धि का जो क्षेत्र होता है वो होता है रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन। और जब रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन जहाँ ख़त्म होता है, उसके आगे का जो रीजन होता है जो रूट के लास्ट पोर्शन तक रहता है, उसे हम रीजन ऑफ सेल मैच्योरेशन कहते हैं। यानी कि वो मैच्योर पार्ट होता है रूट का। नीचे की तरफ से डिवीजन शुरू होते हैं, फिर कोशिकाओं में पहले विभाजन शुरू होता है, उसके बाद में उनमें वृद्धि होती है, उसके बाद में जो मैच्योर कोशिकाएं हो जाती है वो मेन पार्ट बनाती है रूट का। और इसी स्ट्रक्चर में, इसी स्लाइड में आप देख सकते हैं कि आपको रूट हेयर्स भी दिखाई दे रहे हैं, मेनली जो एब्जॉर्प्शन का फंक्शन होता है, चाहे हम मिनरल न्यूट्रिएंट्स की बात करें, पोषक तत्वों की बात करें, या फिर वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें, तो जितने भी प्रकार का अवशोषण रूट्स करती हैं वो जनरली जो होती हैं रूट हेयर्स के द्वारा। रूट पे पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं, उनसे भी होता है, पर जो मेन होता है, मैक्सिमम जो पोर्शन होता है, मोस्टली जो अब्जॉर्प्शन होता है वो रूट हेयर्स के द्वारा होता है। तो ये एक रूट का मतलब जनरल स्ट्रक्चर थी, कि सामान्यतः सारे जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनमें रूट की जो जनरल स्ट्रक्चर होती है वो ऐसी होती है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म रूट सिस्टम कैन बी सब डिवाइडेड इन टू द फॉलोइंग टू कैटेगरीज। यानी कि रूट सिस्टम मूल तंत्र को हम जनरली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है मूसला मूल तंत्र और दूसरा होता है अपस्थानिक मूल तंत्र। मूसला मूल तंत्र इज मीन्स टैप रूट सिस्टम होता है, और जो अपस्थानिक मूल तंत्र होता है उसे हम एडवेंटिशियस रूट सिस्टम कहते हैं। अब जैसे कि बच्चों आपको डायग्राम देख के ही समझ में आ रहा है, जनरली स्ट्रक्चर में ही डिफरेंस होता है, तो स्ट्रक्चर में जो मेन डिफरेंस है वो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। मूसला मूल तंत्र है या टैप रूट सिस्टम जो होता है, इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी रूट, द रूट विच इज फॉर्म बाय डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल। यानी कि इसमें एक प्राइमरी रूट होती है, वो रूट जो रेडिकल, जिसे आप मूलांकुर कहते हो, मूलांकुर से सीधा जो इलोंगेट होता है, रेडिकल के सीधे इलोंगेशन से बनने वाली जो होती है वो प्राइमरी रूट होती है, एंड इट्स लैटरल ब्रांचेज, थोड़ी सी इसकी कुछ लैटरल ब्रांचेज होती है। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं बच्चों कि आपको सीधा एक प्राइमरी रूट दिखाई दे रही है, और उसकी थोड़ी सी छोटी सी, छोटी छोटी जो होती है वो लैटरल ब्रांचेज आपको निकली हुई दिखाई देती है। मोस्ट ऑफ डाइकॉट्स हैव द टॉप टैप रूट सिस्टम। यानी कि जो मूसला मूल तंत्र होता है वो अधिकतर जो होते हैं डाइकॉट्स में पाया जाता है। जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनमें मूसला मूल तंत्र पाया जाता है।
अब सेकंड होता है अपस्थानिक मूल तंत्र जो होता है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, इट इंक्लूड्स दोज रूट्स विच डेवलप फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल, यानी कि रेडिकल को छोड़ करके जो मूलांकुर होता है उसको आप हटा दीजिए, उसके अलावा प्लांट के किसी भी पार्ट से जब रूट्स डेवलप हो जाती हैं तो उनको हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं, यानी कि अपस्थानिक मूल कहते हैं, अपस्थानिक जड़ें जिसे आप कहते हो, रेडिकल से नहीं निकलती है, मूलांकुर से नहीं निकलती है, दूसरे किसी भी बॉडी पार्ट से ये निकल सकती है। फाइबर्स रूट्स ऑफ मोनोकॉटिलीडन्स, फॉलियर रूट्स ऑफ ब्रायोफाइलम एंड एरियल रूट्स ऑफ फाइकस, ऑक्सेलिस एक्सेट्रा, ट्यूबरस रूट्स ऑफ स्वीट पटाटो एंड प्रॉप रूट्स ऑफ मैग्रो आर सम एग्जाम्पल ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। यानी कि आपने एडवेंटिशियस रूट्स कहाँ देखी होगी, तो अधिकतर जो मोनोपॉड्स होते हैं, जो एक बीजपत्री पादप्स होते हैं, उनमें जो फाइबर्स रूट्स मिलती हैं वो फॉलियर रूट्स ऑफ ब्रायोफाइलम, एरियल रूट्स ऑफ फाइकस। फाइकस का प्लांट आप सबने देख रखा है बच्चों, जिसे आप बरगद का पेड़ कहते हो, उसमें आपने देखा होगा रूट्स हमें दिखाई देती हैं फाइकस का, जब बरगद का पेड़ आप देखोगे तो उसमें जड़ें टंगी हुई ऊपर से दिखाई देती हैं, नीचे तक लटकती हैं, कभी कभी जमीन को भी टच कर जाती हैं, जितनी ज़्यादा उसकी एज होती है उतनी ज़्यादा उसका वो जो रूट सिस्टम होता है वो डेवलप्ड होता है। तो ये जो एरियल रूट्स जो वायवीय जड़ें आपको दिखाई देती हैं फाइकस की, बरगद के प्लांट्स की, वो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम का ही एग्जाम्पल है। एंड ट्यूबरस रूट्स ऑफ स्वीट पटाटो, स्वीट पटाटो आप सबने देख रखा है बच्चों, उसमें जो आपको जब कभी भी आप देखेंगे स्वीट पटाटो को, तो उसमें छोटी छोटी जड़ें आपको निकली हुई दिखाई देती है उसकी बॉडी पे से ही, वो ट्यूबरस रूट्स जो होती हैं वो एग्जाम्पल है एडवेंटिशियस या अन्य अपस्थानिक मूल तंत्र का। एंड प्रॉप रूट्स ऑफ मैग्रोव, ऑब्वियसली जो मैग्रोव वनस्पति होती है उसमें प्रॉप रूट्स निकलती हैं, वो भी एडवेंटिशियस रूट सिस्टम यानी अपस्थानिक रूट सिस्टम का ही एग्जाम्पल होती है। एंड द मेन फंक्शन ऑफ रूट्स आर, मतलब अगर हम बात करें तो रूट्स का मेन काम क्या होता है बच्चों रूट्स का, तो फर्स्ट वन इज एंकरेज ऑफ प्लांट इन द सॉइल, यानी कि हमें पता है कि ये सॉइल के अंदर प्लांट्स को बनाए रखने का काम करता है, कि एक जगह स्थिर रखने का काम जो होता है वो रूट सिस्टम का होता है। सेकेंड इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, हम सबको पता है कि पादपों में जो भी जल है और पोषण तत्वों का जो अवशोषण होता है वह रूट्स के द्वारा ही होता है, मूल यानी जड़ों के द्वारा ही होता है। एंड थर्ड वन इज स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, कुछ कुछ प्लांट्स हमने देखे हैं अधिकतर में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, यानी संचित खाद्य पदार्थ जो होता है, संचित भोजन होता है, उसको इकट्ठे करके रखने का काम भी करती हैं जड़ें। नाउ एपिकल मेरिस्टेम, अगर हम एपिकल मेरिस्टेम वो होता है बच्चों जो सबसे ऊपर शीर्ष पे जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, रैम और सैम जो होता है, रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ें कि क्या होता है। तो फर्स्ट हम मूल शीर्ष विभाजक यानी कि रूट एपिकल मेरिस्टेम की ही बात करेंगे। सेल्स के आप देख सकते हैं स्लाइड्स में डायग्राम हमने प्रेजेंट कर रखा है बच्चों, डिवीजन के रीजंस हमने पहले ही आपको बता दिए थे। सबसे नीचे वाले रीजन को हमने कहा था, आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखिए, आपके डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि जो एक रीजन है सबसे नीचे वाला वो सेल डिवीजन का रीजन है, उसके बाद वाला सेल इलोंगेशन का होता है, और थर्ड वन जो होता है वो सेल डिफ्रेंशिएशन का होता है। तो जो सेल डिवीजन वाला रीजन होता है वो इंक्लूड कर रहा है दो चीज़ों को, एक तो रूट कैप रीजन होता है जो हमारा मेन जो शीर्ष विभाजक होता है। अब रूट कैप सिस्टम किस चीज़ को, कैप किसके लिए ज़रूरत होती है, हमें सुरक्षा के लिए ज़रूरत है, तो वो किस चीज़ की सुरक्षा कर रहा है, तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि वो सुरक्षा कर रहा है मूल शीर्ष विभाजक की, यानी कि जो एपिकल मेरिस्टेम रीजन जो होता है उसकी यह सुरक्षा कर रहा है। एपिकल मेरिस्टेम सिस्टम को अगर हम हटा दें, अगर रूट में से काट करके अलग कर दें, तो प्लांट की जो वृद्धि होती है वो पूरी तरीके से रुक जाती है, प्लांट सिस्टम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो एपिकल मेरिस्टम सिस्टम का मेन फंक्शन ही यही होता है कि ये डिवीजन करेगा। देखिए आप, ये सेल डिवीजन रीजन ही इसी को कंटेन किए हुए है, यानी कि एपिकल मेरिस्टम रीजन ही सेल डिवीजन रीजन है। उसके बाद का जो रीजन होता है, जैसे जैसे इसमें डिवीजन्स होते जाएंगे, नई कोशिकाएं बनती जाएगी, फिर उन कोशिकाओं में इलोंगेशन होता है जिसे आप दीर्घन कहते हैं, कोशिकाएं बड़ी बड़ी होती जाती है, आपको दिखाई भी दे रही है बच्चों डायग्राम में, देखिए कि सबसे छोटी कोशिका से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं कोशिकाओं का जो आकार है वो चेंज होता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, लंबाई में उनका इलोंगेशन हो रहा है, और सबसे बाहर की तरफ जो है वो सेल डिफरेंशिएशन रीजन बता रखा है, जिसमें हमारे वैस्कुलर सिस्टम देख रहे हैं आप, बीच में सेंटर में हमने कॉर्टेक्स बता रखा है, ग्राउंड टिश्यूज बता रखे हैं, सबसे बाहर की तरफ हमने एपिडर्मिस शो कर रखी है, बीच का जो सेंट्रल सिलेंडर होता है जिसे हम वैस्कुलर सिलेंडर, जिसे आप संवहन तंत्र कहते हैं,
जो जाइलम और फ्लोएम से मिलकर के बना होता है। इसके अलावा आपको रूट हेयर्स दिखाई दे रहे हैं। तो एक जनरल, ये एक जनरल स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से दिखाई देता है रूट एपिकल मेरिस्टम, मूल, शीर्ष, विभाजोत्तक, ये सारे रीजन्स जो होते हैं वो इसके पार्ट होते हैं। अब मूल शीर्ष विभाजोत्तक का क्या कार्य होता है, इसको समझाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो होती हैं वो थ्योरीज दी गई हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे यह फंक्शन करता है, किस तरीके से इसका काम होता है और कैसे यह आगे जाकर के पूरी स्ट्रक्चर को कंप्लीट करता है। तो बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं इनको एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट, जिसमें रूट एपिकल मेरिस्टेम के लिए भी है और शूट एपिकल मेरिस्टेम के लिए भी है। दोनों को ही समझाने के लिए अलग अलग थ्योरीज, जिसे आप रैम और सैम कहते हैं जनरली, आपने 12th स्टैंडर्ड में रैम और सैम के बारे में पढ़ा होगा बच्चों की, के क्या होता है रैम और क्या होता है सैम। मेरिस्टेम की जब हम जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तब भी अनाटमी में हम सबसे पहली जो क्लासेस लेते हैं वो रैम और सैम के बारे में ही लेते हैं कि क्या होता है रैम और क्या होता है सैम। तो मेरिस्टेम तो आपको पता ही है, विभाजोतक जो होता है वो होता है। अब पहले हम मूल शीर्ष विभाजोतक की ही बात करते हैं, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए, दोनों को ही एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट थ्योरी की बात करें, क्योंकि मेरिस्टेम को समझाने के लिए जो फर्स्ट थ्योरी दी गई थी वो थी अग्रस्थ कोशिका सिद्धांत, इसे हम एपिकल सेल थ्योरी कहते हैं। अगर आप हिंदी में बात करेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में, तो इसे हम जो फर्स्ट थ्योरी है वो एपिकल सेल थ्योरी है। इट वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय नेगेली इन 1858। तो जो अग्रस्थ कोशिका सिद्धांत है उसको सबसे पहले नेगेली नामक जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने दिया था। उन्होंने 1858 में इस थ्योरी को दिया था। ही ऑब्जर्व्ड अ सिंगल टेट्राहेड्रल एपिकल सेल इन द रूट एपिक्स ऑफ फॉर नंबर ऑफ वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। उन्होंने ये जो अध्ययन किया था वो क्रिप्टोगेम्स में किया था और उन्होंने देखा था कि एक सिंगल टेट्राहेड्रल सेल होती है, एक ही कोशिका होती है। तो मतलब इन्होंने जो अपना कॉन्क्लूजन दिया था वो ये दिया था कि ये जो मूल शीर्ष होता है उसमें सिर्फ एक कोशिका होती है, उस एक कोशिका में सबसे पहले विभाजन शुरू होता है और वो सारे जितने भी प्लेन्स ऑफ डिवीजन होते हैं, जितने भी विभाजन के तल उपस्थित होते हैं, उन सभी में एक साथ कटिंग करते हुए पूरा मूल का निर्माण करती है, यानी कि पूरी जो रूट होती है वो एक ही कोशिका से बनना शुरू होती है। द डिवीजन इन दिस एपिकल सेल इन अपर थ्री साइड्स गिव राइज टू टिश्यूज ऑफ द बॉडी ऑफ रूट एंड द रूट कैप इज डिराइव फ्रॉम इट्स बेस। यानी उन्होंने ये कहा कि ये एक ही कोशिका जो सेंटर में देखिए लिखी हुई है बच्चों, MG करके उसको डिनोट कर रखा है उन्होंने, ये एक कोशिका होती है, वो ऊपर की तरफ जब डिवीजन करती है तो वो रूट्स की बॉडी और टिश्यूज बनाती है, और नीचे की तरफ जब वो डिवीजन करती है, देखिए लिखा हुआ भी है M1D, M2D, M3D, तो ये नीचे की तरफ जब डिवीजन करेगी तो रूट कैप बनाएगी, यानी कि पूरा के पूरा जो रूट का डिवीजन होता है और डेवलपमेंट होता है वो सिर्फ एक ही कोशिका से होता है, एपिकल सेल थ्योरी या अग्रस्त कोशिका सिद्धांत के अनुसार। सेकंड जो थ्योरी दी गई थी उसे हम हिस्ट्रोजन सिद्धांत और हिस्ट्रोजन थ्योरी कहते हैं। दिस थ्योरी पुट फोर्थ बाय हैंस्टीन इन 1868 प्रोस्टुलेट द एग्जिस्टेंस ऑफ थ्री लेयर्स ऑफ मेरिस्टेम और हिस्ट्रोजन्स विच आर डर्मेटोजन्स, पेरिब्लेम एंड प्लीरो। यानी कि ये सिद्धांत जो था वो हैंस्टीन ने दिया था और उन्होंने ये बताया कि जो मेरिस्टेम होता है वो तीन लेयर्स होते हैं मेरिस्टेम के, और यहाँ पे उन्होंने मेरिस्टोम को हिस्ट्रोजन नाम दिया। उन्होंने कहा मेरिस्टेम कहें या हिस्ट्रोजन कहें, और ये हिस्ट्रोजन होते हैं, उनकी तीन लेयर्स होती हैं। इन तीन लेयर्स को इन्होंने नाम दिया था डर्मेटोजन। सबसे नीचे की तरफ आप देख रहे हैं रूट कैप के बाद का जो रीजन होता है वो डर्मेटोजन होता है। देन पेरिब्लेम, डर्मेटोजन के जस्ट ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो पेरिब्लेम होता है, और उससे ऊपर का जो लास्ट रीजन होता है वो प्लीरोम होता है, यानी जो एपिकल मेरिस्टेम है उसको इन्होंने, एंस्टीन ने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। लोअर वन डर्मेटोजन था, देन पेरिब्लेम, देन प्लीरो। अब उन्होंने बताया कि ईच ऑफ दीज लेयर हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब हर जो लेयर होती है वो अपना एक विशेष कार्य करती है। जैसे कि फर्स्ट उन्होंने बताया कि द डर्मेटोजन गिव्स राइज टू द एपिडर्मिस, जो डर्मेटोजन होगी वो अधिचर्म का निर्माण करेगी। द पेरिब्लेम टू द कॉर्टेक्स, यानी कि पेरिब्लेम जो होती है वो कॉर्टेक्स का निर्माण करती है, एंड द प्लीरोम टू द वेस्कुलर सिलेंडर ऑफ द मैच्योर रूट, जो प्लीरोम पोर्शन होगा वो वेस्कुलर सिलेंडर का। तो आप देख भी रहे हैं वेस्कुलर सिलेंडर जो सेंटर की तरफ से निकल रहा है,
उसका निर्माण सिर्फ प्लीरोम वाले सेल्स के डिवीजन से हो रहा है। उसके बीच की जो कोशिकाएं होती है वो पेरिप्लेम है, वो कॉर्टेक्स रीजन का निर्माण कर रही है, और सबसे नीचे का जो रीजन है जो डर्मेटोजन है, जिसे आप कैलेप्ट्रोजन कॉम्प्लेक्स भी कह रहे हैं, वो अधिचर्म कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। कॉर्पर कैपे सिद्धांत, जो थर्ड थ्योरी दी गई थी, कॉर्पर कैपे थ्योरी, दिस थ्योरी वॉज प्रपोज बाय शुप इन 1917, 1917 में इसे शुप ने दिया था। ही एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट एपेक्स इन टर्म्स ऑफ प्लेन्स ऑफ डिवीजन एज इन द ट्यूनिका कॉर्पस कॉन्सेप्ट ऑफ सूट एपेक्स। इन्होंने क्या किया था, इसको रूट प्लेन्स ऑफ डिवीजन के अकॉर्डिंग से समझाने की कोशिश की थी। अकॉर्डिंग टू हिम द सेल्स एट द रूट एपेक्स डिवाइड इंटू टू प्लेन्स। उनके हिसाब से जो रूट एपेक्स होता है उसमें जो कोशिकाएं होती है वो हमेशा दो तल में विभाजन करती हैं। अ फर्स्ट वन इज अ सेल डिवीजन, सेल डिवाइड इंटू टू बाय अ ट्रांसवर्स डिवीजन, एंड देन वन ऑफ द डॉटर सेल डिवाइड बाय लॉन्जिट्यूडिनल डिवीजन, एंड दिस सिक्वेंस वॉज टर्म्ड एज टी डिवीजन। उन्होंने बताया, देखिए आप अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको टी लाइक स्ट्रक्चर दिखाई भी देगी। उन्होंने कहा कोशिकाएं जो होती है वो दो तलों में विभाजन करती हैं। सबसे पहला जो विभाजन होता है, सबसे फर्स्ट डिवीजन, वो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। और हमें पता है जब कभी भी ट्रांसवर्स डिवीजन होता है तो जो एक कोशिका होती है दो बराबर इक्वल सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं। फिर उसके बाद में जो उसके डॉटर सेल्स बनती है, जो पुत्री कोशिकाएं होती हैं, उनमें से सिर्फ एक पुत्री कोशिका जो होती है वो लॉन्जिट्यूडिनल डिवीजन कर देती है, और अनुदैर्ध्य विभाजन होने के फलस्वरूप जो स्ट्रक्चर बनी है वो टी लाइक स्ट्रक्चर है। तो आपको दिखाई दे रहा है, हमने डायग्राम में लिख भी रखा है कि इन्वर्टेड टी डिवीजन या फिर वाई डिवीजन भी कहते हैं हम इसे, क्योंकि ये जो लॉन्जिट्यूडिनल डिवीजन होता है उसके बाद जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है वो हमें उल्टे टी के जैसे दिखाई दे रही है। और ऑन द बेसिस ऑफ सच डिवीजन ही डिफ्रेंशिएटेड टू जोन्स इन द रूट सिस्टम, कॉर्पर जोन एंड कैपे जोन। तो इन्होंने क्या किया, दो जोन्स बना दिए, जो सीधे टी वाला जो पोर्शन होता है, स्ट्रेट जो जोन होता है वो, और कैपे जोन। तो कैपे उन्होंने बोला कि जो सीधा टी होता है ऊपर की तरफ, आप देख रहे हैं सीधा टी हमने बना रखा है, वो हमेशा कैपे जोन होता है, और जो उल्टा टी होता है वो कॉर्पर जोन होता है। यानी कि दो डिफरेंट जोन्स होते हैं, कॉर्पर और कैपे। कॉर्पर जोन में हमेशा इन्वर्टेड टी लाइक डिवीजन होंगे, और जो कैपे जोन होता है उसमें हमेशा सीधे टी लाइक डिवीजन होंगे, और स्ट्रक्चर हमेशा सिमिलरली ही बनेंगी। जो बाहर की तरफ की कोशिकाएं वो एपिडर्मिस ही बना रही हैं, उसके बाद की जो कोशिकाएं होती है वो कॉर्टेक्स फॉर्मेशन कर रही हैं, और सबसे सेंट्रल की जो सेल्स होती है वो हमेशा स्टीलर सिस्टम बनाती है, यानी कि वैस्कुलर सिस्टम, संवहन तंत्र का निर्माण करती हैं। फोर्थ वन इज क्यूसेंट सेंटर थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूसेंट सेंटर, जिसे हम कहते हैं निष्क्रिय केंद्र सिद्धांत या फिर शांत केंद्र सिद्धांत भी कहते हैं। इट वॉज प्रपोज बाय क्लॉज इन 1956 एंड 1958 वाइल मेकिंग ऑटो रेडियोग्राफी स्टडीज ऑफ डीएनए सिंथेसिस इन द रूट टिप ऑफ जिया। यानी जिया मेज की रूट टिप में स्ट्रक्चर, उन्होंने डीएनए की सिंथेसिस की स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे थे वो, तब उन्होंने यह कॉन्सेप्ट दिया था क्यूसेंट सेंटर थ्योरी। ही डिस्कवर्ड अ सेंट्रल कैप लाइक रीजन ऑफ द सेल्स लाइंग बिटवीन द रूट कैप एंड द एक्टिव मेरिस्टमेटिक रीजन। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक शांत क्षेत्र डिस्कवर किया, वो डीएनए पर बेसिकली काम कर रहे थे, और तो उन्होंने बोला कि जो रूट कैप रीजन होता है वो रीजन, और एक्टिव मेरिस्टमेटिक रीजन जो होता है उसके बीच, जिसे रूट कैप बचा के रखने का काम करता है, इन दोनों रीजन के बीच में उन्हें एक और छोटा सा रीजन मिला था जिसको उन्होंने शांत क्षेत्र का नाम दिया। द सेल्स ऑफ दिस रीजन हैव लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीएनए आरएनए प्रोटीन। तो उन्होंने ये बताया कि ये वो रीजन होता है जहाँ पर डीएनए आरएनए प्रोटीन मिलते तो हैं, लेकिन उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, उनकी जो सांद्रता होती है वो बहुत ही ज़्यादा लो होती है, बहुत ही कम मात्रा में इनमें माइटोकॉन्ड्रिया ईआर और दूसरे जो सिमिलर स्मॉल डिक्टियोसोम्स वगैरह सारे जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। द रूट फैट्स विथ रेडियो एक्टिव प्रेशर ऑफ डीएनए शोड दैट द सेल्स ऑफ दिस रीजन डिड नॉट एक्टिवली सिंथेसाइज डीएनए। यानी कि ये वो क्षेत्र होता है जहाँ पर एक्टिव सिंथेसिस होती ही नहीं है डीएनए की। तो अब जब वो एक्टिवली काम ही नहीं कर रहा है तो इसलिए उन्होंने इस क्षेत्र को शांत क्षेत्र नाम दे दिया। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये जो शांत क्षेत्र होता है उसके बाद की जो कोशिकाएं होती हैं वो बाकी के सारे डिवीजन करती हैं। डिवीजन उसी तरीके से होता है, देखिए कॉर्टेक्स इनिशियल की तरह कोशिका आपको बता रखी है, ये कॉर्टेक्स इनिशियल सेल्स जो होती हैं वो डिवीजन करके कॉर्टेक्स फॉर्मेशन करती है, बाहर की तरफ की कोशिकाएं एपिडर्मिस बनाएगी,
उसके अंदर की कोशिकाएं जो होती है पेरिसाइकिल का और जो वेस्कुलर सिलेंडर होता है उसका निर्माण करती हैं। जो डार्क ब्लू कलर से आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, क्यूसेंट सेंटर हमने लिख रखा है बच्चों, देखिए ये क्यूसेंट सेंटर प्रेजेंट है एक्टिवली डिवाइडिंग मेरिस्टमेटिक रीजन और उसके नीचे रूट कैप के बीच की। दिस इज ऑल अबाउट रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम थ्योरी और रूट क्या होता है उसके बारे में इतना ही बच्चों। अब हम आगे की क्लास में इसकी मोनोकॉट और डाइकॉट रूट के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।